get started, और यहाँ से आपको इसका npm installation command मिलेगा। copy command, server को stop करना है अपने control c, और यहाँ पर हम लोग अपने command को paste करेंगे, ठीक है? तो paste करने की command होती है right click, ठीक है? enter करेंगे। last class में install किया था क्या? नहीं किया ना? तो फिर आपको पैकेज में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में इसमें आना चाहिए। इसका आगे रिक बूटस्ट्रैप, तो अब इंस्टॉल तो हो गया बट अभी ये काम नहीं करेगा। काम करने के लिए आपने क्या करना है, इसको इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है कि कहाँ डालना है आपने। तो क्या लिखा रहा है, css जो फाइल है वो आपने या तो इंडेक्स में या फिर एप डॉट जे एस फाइल में कॉल करनी है। अब हमारा ऐप का मेन रूट क्या है, मे भी हो सकता है हम लोग सीधे इंडेक्स में काम कर रहे हो या फिर हम लोग ऐप के थ्रू इंडेक्स में भेज रहे हो। सो हमने जो लास्ट क्लास में काम किया था हमने इंडेक्स में किया था। सो आपने ये वाला जो कमांड है यहाँ से करना है कॉपी, और अपने इसको ज़रा npm को स्टार्ट कर लूँ। npm, अच्छा आपने जितनी पिछली कमांड चलाई होंगी वो अप एंड डाउन एरोस आप फाइंड कर सकते हो, दिखाई दे रहे? तो ये देखो हमारी लास्ट क्लास की हिस्ट्री जो है इसमें दिखती रहेगी आपको। चलाओ यहाँ से सर्वर को स्टार्ट करो, पहले देखो हमारा टेक्स्ट नॉर्मल आना चाहिए। तो कौन सा फॉन्ट आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन। तो जैसे ही हमारा ये इंटीग्रेट होगा तो चेंज हो जाना चाहिए। हम लोग कहाँ डालेंगे जाके इसको, इंडेक्स डॉट जे एस, और यहाँ आके आप इसको कॉल कर देंगे बस इस तरह से। अगेन कंट्रोल एस, कंपाइलिंग, और जब ब्राउजर में आएंगे तो इंटीग्रेट हो गया। तो इस तरह से आपका रिएक्ट का लाइट वेट बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट होता है, ठीक है? तो इसके बाद में आप कुछ चीज़ें से ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो लिखा है हाउ एंड विच बूटस्ट्रैप स्टाइल यू इंक्लूड इज़ अप टू यू, आपकी चॉइस है आपने कौन सा डालना है। तो CDN वाला भी मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखा दिया, और ये वाला तरीका भी मैंने आपको बता दिया, दोनों ही तरीके से पॉसिबल है, दोनों ही एथिकल हैं, गलत कुछ नहीं है। बस ये वाला थोड़ा सा उससे फास्ट चलेगा, और हम लोग रिएक्ट का यूज़ ही करते हैं फास्ट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ से जैसे कि आप लोग उस वाली बूटस्ट्रैप में पढ़ते हो, लेआउट, फॉर्म, कंपोनेंट, सारी चीज़ आपको यहाँ भी मिल जाएंगी। जैसे लेआउट में आप जाओगे तो ब्रेक पॉइंट क्या क्या होते हैं, तो सेम आपको ब्रेक पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि ये भी लेटेस्ट बूटस्ट्रैप को ही फॉलो कर रहा है। क्या लिखा रहा है, बूटस्ट्रैप 5 वर्जन जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप वो है 2.10, ठीक है? बट बूटस्ट्रैप कौन सा चल रहा है, 5 चल रहा है अपना इसके अंदर। तो चलिए ये अपने सारे ब्रेक पॉइंट आ गए 6। हम यहाँ से कोई कंपोनेंट ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे हमने क्या ट्राई किया था, अकॉर्डिंग यहाँ पर चल रहा है अकॉर्डिंग, इसको हम लोग फंक्शन करा के देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि आप एक तो अपने अकॉर्डिंग को इम्पोर्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, होम पेज के अंदर होम डॉट जे एस सबसे टॉप में आएंगे, ये हमने इम्पोर्ट कर दिया। इसके बाद आपने ये जो रिटर्न के अंदर जितना भी लिखा हुआ है उतना पार्ट कॉपी करना है। क्यों लिया हमने, क्योंकि रिटर्न हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। कंट्रोल एस करोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखो प्रॉब्लम दिखाई देगा इसके अंदर। तो यहाँ पर देखो रिटर्न वाली वैल्यूज हमारी वो कुछ इस तरह से है, ठीक है? तो बस होल्डर की कमी आ रही है, तो होल्डर में इसको ला के कॉल कर लो डेटा को। और क्या दिक्कत है इसके अंदर, नहीं वो एच1 का फॉल्ट नहीं है, इसको कमेंट कर लो और इस वाले पार्ट को हटाओ। कंट्रोल एस को भी आपने किसी कंटेनर के अंदर रखना है। तो यहाँ से इसको यहाँ से कट, यहाँ पेस्ट, और यहाँ पर H1 ऊपर नीचे कहीं भी डाल दूँ, जैसे कि होम पेज कंटेनर। तो जैसे
जैसे कि मैं चाहता हूँ ये मेरा स्किल बढ़ाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फंक्शनल हो गया ऑटोमेटिक। तो जेएस कहीं नहीं कॉल करानी आपने, क्योंकि जेएस की लाइब्रेरी आपके ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी, बस आपने सीएसएस को इंपोर्ट कराना है इसमें। ठीक है, और हमने कॉल कहाँ पर कराया, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि इंडेक्स वाला जो हमारा पार्ट होता है या जो ऐप वाला पार्ट होता है वो क्या है, मेन पार्ट है। तो कॉम्पोनेंट की जो सारी डिपेंडेंसी है, जो इंपोर्टिंग जो चलेगी, वो आपकी इंडेक्स या ऐप के ऊपर होगी। तो मान लो कि अगर आप ऐप के ऊपर ये सारा कोड लिख रहे होते जो हमने लास्ट क्लास में इंडेक्स के ऊपर लिखा है, तो आपको फिर वो डालना था ऐप के अंदर जो हमने सीएसएस का इंटीग्रेशन किया है। तो मान लो आपने इसके अंदर वैल्यू बढ़ाने हो, तो आप यहाँ से देखेंगे ये आपका अकॉर्डियन का हेडर और बॉडी दोनों एक साथ यहाँ पर अवेलेबल है। तो इवेंट की आप देख रहे हैं जीरो है, वन है, तो हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा टू। ठीक है, और इसका हम लोग नेम कर देते हैं थ्री, कंट्रोल एस करेंगे और वापस यहाँ के चेक करेंगे इसको, हमारा अकॉर्डियन काम कर रहा है। तो ऐसे इसका एक ब्राउज़र भी ट्राई करके देखो क्या काम करता है कि नहीं। तो यहीं पर आपको एक इसका क्राउजर मिल जाएगा। तो क्राउजर में आपको अगेन दो चीज़ें कॉल करानी है, इसको कॉपी कर लेंगे, क्राउजर एंड एग्जांपल क्राउजर इमेज। तो एग्जांपल क्राउजर इमेज की हमें ज़रूरत नहीं, हम अपनी इमेज खुद की कॉल करा लेंगे। तो यहाँ अकॉर्डियन के जस्ट पहले मैं यहाँ पर क्राउजर रख देता हूँ और क्राउजर से पार्ट आप कॉपी करेंगे। क्या लिखा रहा है यहाँ पर, मॉड्यूल नॉट फाउंड कैन नॉट रिजॉल्व, कौन सा मॉड्यूल है, एक्सप्लोर क्राउजल इमेज। तो इसको आपने यहाँ से कमेंट कर देना है, और यहाँ पर जो आपका लिखा रहा है ये कहाँ सा है, कंपोनेंट एक्सप्लोर एग्जांपल क्राउजल इमेज। एक कंपोनेंट आपको बनाना पड़ेगा, इस नाम से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इस नाम का कंपोनेंट डॉट जेएस बनेगा, और उसके अंदर जाकर आप अपने इमेजेस वगैरह को कॉल करोगे और फिर यहाँ पर आप लेके आओगे इसके अंदर। बट हम डिफरेंट तरीका लगाते हैं इमेज को कॉल कराने का। तो हमने एक ऐप डॉट जेएस फाइल बनाई थी लास्ट, उसके अंदर से कॉपी कर यहाँ आके कॉल, और यहाँ पर आप बना लेंगे फोल्डर पेजेस के अंदर, इमेजेस का अंदर सेक्स सॉरी बननी चाहिए इमेजेस, हमें फाइल बने फोल्डर में, फाइल बन गई ना। तो कुछ इमेजेस कॉपी करो और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिवील इन एक्सप्लोरर। तो जैसे कि सी ड्राइव, यहाँ से मेरे को फोल्डर मिल जाएगा विंडोज वेब, और दो तीन एग्जांपल के लिए फोटोग्राफ्स यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग। स्मॉल में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर आप लिखेंगे डॉट स्लैश। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इमेज का फोल्डर आ गया, स्लैश क्या लिख देंगे इसके अंदर, img7.jpg स्लाइड टू स्लाइड थ्री, और यहाँ पर हमारे पास इमेज के नेम है 789, तीनों ही jpg है, सबने कॉल करा लेना है। यहाँ जाओगे, इनको सेलेक्ट करना है आपने, यहाँ से कमेंट
इसका नेम क्या है, स्लाइड वन। Slide 1, 2, 3 is defined but never used. Server को stop करिए, rebuild करो। Home.js 4, 5 6th line number पे दिखा रहा है, हमारा ये कॉल नहीं हुआ है। प्रोसेस सारा चेक करेगा, हमारा कोड में चला गया इसलिए कॉल नहीं हुआ। कंपाइल्ड सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये आपका पार्ट आ रहा है यहाँ पर, तो कलर काफ़ी लाइट है नीचे का इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, बट हमारा इमेज इसमें कॉल हो गया, ठीक है। तो अपनी कोई भी इमेज जो भी आपको कॉल करानी है इस तरह से लाके इसमें कॉल कराओगे आप। 789 ये हमारी इमेज, और कुछ टेक्स्ट वगैरह इसके ऊपर अगर डालना चाहो, टेक्स्ट देखो नीचे आ रहा है क्या इसमें, कॉल हो रहा है। तो जी इमेज काफ़ी बड़ी है इसलिए बाहर जा रही है बेस से, तो कोई डिफरेंट इमेज ट्राई करके देखो। यहाँ पे क्या कर देंगे 10, और अभी सही आना चाहिए इसको, ठीक है। तो ऐसी एक ना नेबर वो डाल के चेक करो इसमें, क्या नेबर आपका ठीक से कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसमें। तो नेबर पे क्लिक, सो ये आपका बूटस्ट्रैप नेबर आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जैसे आपको रिक्वायर्ड हो, सर्च के साथ अगर आपको रखना है या इस तरह से, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इसमें अवेलेबल है। चलिए जो सबसे टॉप में इसको ट्राई करके देखते हैं। तो देखो नेबर में क्या क्या टैग चलता है, कंटेनर टैग होता है ना, नेव टैग होता है, नेबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेव है, नेबर है, नैब के अंदर ड्रॉप डाउन होता है, तो यहाँ पर देखो ड्रॉप डाउन भी लगा हुआ है अपना। सो आपने नैब से लेके पार्ट नैब तक का करना है कॉपी, और क्राउजल से ऊपर लाके आप इसको कॉल कराओगे। नेक्स्ट ये चार चीज़ें आपने इंपोर्ट करानी है इसके अंदर, कंट्रोल एस करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। रेस्पॉन्सिव करके देखो, ठीक है। तो आपका ये वाला पार्ट फंक्शनल है। तो जैसे हमारा लेआउट जो बना हुआ है, समझ गए ना, लेआउट वाले पार्ट में हमने नैब को ऐड कराना है अपने। तो ये जो भी हमारा इस तरह से लिस्ट मोड में आ रहा है, फिर आपको ये राउट बन जाएगी इसके ऊपर, इसको आपने वहाँ पर रिप्लेस करा लेना है।
तो कहने का मतलब ये कि इतना डालने से समझ में आ गया ना, बूट से आपको कैसे इंटीग्रेट कराना है रिएक्ट वाली। सीडीएन वाला भी चला सकते हो अगर उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, और इसको चलाने इसको चला सकते हो। बस डिफरेंस क्या है, इसमें पर्टिकुलर कंपोनेंट पे उसी पार्ट का लोड होगा जो आपने कॉल कराया होगा, ठीक है। नॉर्मल बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि आपका डोम के ऊपर पूरा का पूरा सीएसएस और जेएस रेंडर होता है, इसमें सब नहीं रेंडर होगा, जिस कंपोनेंट में जितना पार्ट होगा सिर्फ उतना ही पार्ट आपका रेंडर होगा। इस वजह से रिएक्ट की जो बूटस्ट्रैप है अलग लिखी गई है, ठीक है। और अगर जो पुरानी प्रैक्टिस वो करते आ रहे अगर वो चलाना चाहोगे काम उससे भी चलेगा, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, फ़र्क तब पड़ता है जब आपका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, जब वो सेल के टाइम पर आते हैं देखते हैं इनकी वेबसाइट भी ग्लिच मार जाती है कई बार, आप कार्ट में डालोगे कार्ट में डेटा पहुँचेगा नहीं, तो वो तब होता है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा होता है साइट के ऊपर। बट फिर भी वेरी वेल हैंडल किया गया उस चीज़ को, तो ये ट्राई करके देखिए। बाकी इसमें फिक्स टॉप करना हो, बॉटम करना हो, मॉडल्स हो, जेएस में आपने कुछ नहीं करना। जेएस का इन्होंने जैसे कुछ चीज़ों का इन्होंने अलग से कोड यहाँ पर लिख के दिया होगा, यहाँ पर आपने ऊपर देखोगे मिल जाएगा। जैसे मॉडल्स की बात करें अगर हम लोग, तो मॉडल्स का ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ पर देखो क्लास में दिखाई दे रहा है, जैसे डिस्प्ले क्या रखना है, ब्लॉक वगैरह, तो कुछ कस्टम आपको अलग से दिख जाएंगे। जैसे टोस्ट का अगर आप पार्ट देखो तो टोस्ट का आपको ये देख रहे हैं कुछ अलग से कोड इन्होंने लिख के दिया हुआ है पहले से कि क्या करना है आपने। ये जैसे एक वो होता है आपका ऑफ कैनवस होता है, उसका भी ये अलग से कोड देते हैं आपको, ये देख रहे हैं हैंडल ग्लूज वगैरह सारी चीज़ें जेएस अलग से लिखी हुई है। तो ये पार्ट आपका अलग जाएगा, ये पार्ट आपका अलग आएगा। इसमें जैसे अपने डायरेक्शन चेंज करना है कि भाई एंड से आए कहाँ से रखना है अपने, तो इसमें पोजिशन एंड लिख दोगे तो आपका एंड से आएगा, स्टार्ट लिख दोगे स्टार्ट से आएगा, बाई डिफॉल्ट आपका स्टार्ट होता है, जैसे इसमें आप चलाओगे तो स्टार्ट से निकल के आता है। तो डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है वो वाला पार्ट अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हो उसके ऊपर। अब हम सीखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ तक के उसमें बताओ, जैसे हमारा सेकेंड क्लास है, यहाँ तक में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो बताओ। NSIC कौन सा वो है, मेट्रो स्टेशन? ओखला में पड़ती है। अच्छा, ये नेशनल आर्ट गैलरी है। उस पे मैं था, कौन सी वेबसाइट पे तुमने बना रखा है अपना वो अपलोड करने का, जो तुम अपनी ऐप लाइव करते हो, जो तुमने उसकी भेजी थी मुझे नेटफ्लिक्स की? वर्सल, वेब वर्सल या ओनली वर्सल? यही है। हाँ जी रुद्राक्ष, वेबसाइट कैसी है, स्टैटिक है डायनामिक है? पीएचपी से बनी हुई है ना, तो वो तो ऑटो मतलब होस्टिंग और डोमेन दोनों एक ही जगह से लिया, अलग अलग जगह से लिया, और होस्टिंग भी गोडैडी के पास ही है। फिर तो उनको कॉल कर दो, वो खुद ही कर देंगे, 2 मिनट का काम है तुम्हारा। जहाँ पर
हाँ कर देते हैं आपका, जहाँ पर वो लिखा था ना साइन अप का, साइन इन का जो अवतार आ रहा होगा उस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा एक कोड आ रहा होगा, पिन कोड, वहाँ पर 4 डिजिट का या 6 डिजिट का ऐसे होगा या 8 डिजिट का होगा। तो आपने कस्टमर केयर पे कॉल करना है टेक्निकल सपोर्ट में और उनको अपना पिन बताना है। पिन बताने के बाद आप बता दो कि मैंने ये SSL बाय किया हुआ है GoDaddy से और होस्टिंग भी मेरी GoDaddy के साथ ही है और मुझे अपना इसमें SSL इंस्टॉल करना है। तो आपको या तो स्टेप बता देंगे या खुद करके दे देंगे आपको। हाँ करके देखो अभी क्लास में ना हो तो फिर मैं बात करता हूँ तुमसे फ्री होकर। इस पे कितना फ्री रहता है? PHP चल नहीं रहा है। सपोर्ट फॉर 35+ फ्रेमवर्क, फास्ट ग्लू लीज फंक्शंस, स्टार्ट डेवलपिंग, बिट बकेट को भी सपोर्ट कर रहा है, गिटलैब गिटहब को भी सपोर्ट कर रहा है। वेरी गुड। पहले से सेव बन गया ना एक रैपो बनाओ गिटहब पे, उसको इंपोर्ट कर लो। इससे फायदा ये रहेगा ना हमारा, जैसे रिएक्ट का जो ऐप वगैरह होगा ना वो कॉल हो जाएगा, रिएक्ट नेक्स्ट भी उस सपोर्ट करता है। तो बाद में करके दिखा देंगे आपको फिर इसके बाद। मैं तो आपने तो करके देख लिया अकेले अकेले। क्योंकि ना वो हमारा हाइपर वाला बंद हो रखा है। इस पे वर्डप्रेस चलता है क्या? ट्राई करके देखा तुम्हें? इसका ना कैप्चा कोड नहीं आ रहा, नहीं तो मैं इस पर भी करके दिखा देता हूँ। बेसिकली NPM जो हम लोग बिल्ड बनाएंगे ना, रन NPM बिल्ड, तो बेसिकली जो फाइल सबके एक्सट्रैक्ट होंगी तो फिर वहाँ पर जाकर हम लोग होस्ट करके चला सकते हैं हम लोग बिल्ड बनाने के बाद। तो किसी को कुछ पूछना है तो बोलो यहाँ तक। रिएक्ट में दो क्लास में कैसे, कौन सा डाउट है बताओ? कंफ्यूज वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसके थोड़ा सा इस तरह का दिखता है तो इसलिए लगता है थोड़ा सा, बट सिर्फ जरूरत की चीज़ों को अगर फोकस करोगे ना, जैसे एक कहावत थी उसके महाभारत के टाइम में, ये अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो बाकी सब बोलते हैं सब कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, उसकी आँख दिख रही है। तो जिस चीज़ पे काम कर रहे थे उस पर फोकस करो, बाकी को भूल जाओ, ठीक है? तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। बट हाँ जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो डे वन सभी को ऐसा लगता है, मैंने इसलिए पहले बताया 3 to 4 क्लास आपको इसके साथ एडजस्ट होने में जाती है, ठीक है? क्योंकि चीज़ें लिखने का तरीका बदल जाता है थोड़ा सा यहाँ पर। तो जैसे हमारे साथ भी दिक्कत आई, जैसे हमने फंक्शन अपना एक्सपोर्ट किया तो हमने ब्रैकेट लगा दिए साथ में, है ना? तो होता है सबके साथ, ऐसा कुछ वो नहीं। चलो बस ये ध्यान रखना कि अपना सोर्स के अंदर हर एक चीज़ को तरीके से सेग्रीगेट करके चलना, मिक्सिंग मत फैला कर लेना इसके अंदर। पता चला कि सब यहीं पर मेन रोड पर बनाते जा रहे हो, जैसे पेज है तो पेजेस बनाओ, अब जैसे एडमिन से रिलेटेड है, जैसे साइन इन साइन अप से रिलेटेड बना रहे हो तो ऑथराइजेशन से रिलेटेड अलग स्ट्रक्चर बनाओ। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है? बाकी जैसे इसकी अगर कस्टम CSS लिखोगे तो home.css, photo.css, उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं किस तरह से बेसिकली इस पर आप काम करोगे। तो एक तो मैं आपका इसका बैकअप बना देता हूँ, कमांड भेज देना मैंने आपको। हाँ आपके पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप की भी कमांड है और एक कमांड आपको और देनी थी मुझे, वैसे तो आपको सब कुछ यहीं से ही मिल जाएगा। ये आपका तो कुछ देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ठीक है? तो वनीला जो आपका HTML सॉरी बूटस्ट्रैप 5 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले क्या चलता था हमारा jQuery चलता था। सो वनीला होने से क्या हुआ कि आपका ना एक तो JS का जो फ्रेमवर्क है इसके साथ लिखा गया वो काफ़ी लाइट वेट हो गया और jQuery भी इसके अंदर ही आपका इनबिल्ट कर दिया गया, ठीक है? तो इफ़ यू प्लानिंग ऑन कस्टमाइजिंग द बूटस्ट्रैप SAS फाइल
or don't want to use CDN for the style sheet, it may be helpful to install vanilla bootstrap as well. ठीक है, तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसका आपको अलग से मिलेगा npm 5.3.2 जो है वो आपको वनीला के साथ आपको मिल जाएगा। ये चल रहा है बिल्कुल लेटेस्ट अपना। तो वो कहाँ गया अपना रिडायरेक्ट हो, कहाँ से गेट बूटस्ट्रैप। जैसे आप बार बार रिएक्ट को इंस्टॉल करने से बचना चाहते हो, सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जैसे ही रिएक्ट डालो एक सोर्स का ना जिप बना के रख लेना डिफॉल्ट अपना। तो जैसे मान लो कि पहले प्रोजेक्ट को आपने बंद करके दूसरे प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करना है, पहले वाले को जिप बना के अलग करा और अपना उसी को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दो। चलिए आइए, यहाँ पर कुछ फाइल बना लेते हैं। तो मैं ऐसे राउटिंग वाउटिंग सब हटा रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। से या राउटिंग से किसी से कोई काम नहीं है, जरा npm स्टार्ट करके चेक करो। इस फाइल को कॉल कर दो। इस नाम का भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो यहां पर जाके आपने फंक्शन बना लेना है। लिखेंगे फंक्शन React intro, और इसमें अलग अलग डिफाइन कर देंगे अपना रिटर्न एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आगे हमारे यहाँ पर
जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ठीक है, क्लियर रखना। इंटरव्यू पूछा जाता है कि रिएक्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, तो आपने ध्यान रखना है क्या है, लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। नेक्स्ट, रिएक्ट इज यूज्ड टू बिल्ड या क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन, उसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, SPA। एंड रिएक्ट से हमें बेनिफिट क्या होता है, रिएक्ट अलाउज अस टू क्रिएट ये रीयूजेबल कंपोनेंट, UI कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे आपने एक नेबार बनाया, अब नेबार क्या है, वो ऐसा है कि जो हर पेज पर यूज़ हो रहा है, या जैसे फुटर है वो क्या हर पेज पर यूज़ होने वाला है हमारा, तो जो चीज़ आपको लगती है कि मुझे बार बार यूज़ करने वाली है उसको इस तरह से डिफाइन करो कि जब आप उसको एक जगह मॉडिफाई करो तो ग्लोबली हर जगह पर मॉडिफाई हो जाए। तो जैसे हेडर की हमारी एक ही फाइल होती है जो हम लोग PHP में करते हैं, जैसे फुटर की हमारी एक ही फाइल होती है, तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में फुटर अपना इंटीग्रेट कर दिया था किसमें, लेआउट के अंदर जाके, तो सभी पेज के ऊपर फुटर आने लग गया था हमारा ऑटोमेटिक। तो यही होता है हमारा रीयूजेबल, यानी कि एक बार जो चीज़ बनाई वो बार बार आपकी यूज़ में आ रही है। अब स्टैटिक वेबसाइट में क्या होता है कि आप हेडर अगर डिफाइन करो तो हर पेज पर जाके आप हेडर लिख के आओगे, तब जाके बार बार आपका हेडर काम करेगा। और चैलेंज क्या आता है कि मान लो मुझे कुछ चेंज करना पड़ गया, क्लाइंट एंड से कुछ अपडेशन आ गया, तो 50 पेज बना लिए, तो 50 पेज के अंदर जाके वो मेहनत करके आओ, है ना। तो डायनामिक्स जो लैंग्वेजेस आपके जैसे PHP या रिएक्ट या जिसमें भी आप काम करोगे एंगुलर वगैरह में, सभी में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कंपोनेंट को कैसे हम लोग रीयूजेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो जैसे हम यहाँ से कोई डेटा अगर इंडेक्स फाइल पर भेजना चाह रहे हैं, ये हमारी इंडेक्स फाइल यहाँ पर, यहाँ देख रहे हो कुछ चीज़ें इंपोर्ट हो रखी है, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। तो ये वाला जो पार्ट है ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपका डोम होगा सिर्फ इस पार्ट को वहाँ पर रखना है आपने, इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह नहीं है। और अगर ना भी रखो तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका रिएक्ट डोम अगर आ रहा है तो ये इस वाले पार्ट को फुलफिल कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आपको ये जो डोम पार्ट होता है ये हम लोग क्यों डालते हैं, डोम जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, रिएक्ट डोम ऑब्लिक क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब ये हुआ कि ये क्लाइंट साइड पर आपके प्रोजेक्ट को यहाँ से रेंडर करेगा। दूसरा, ये जो पार्ट है यही है वो पार्ट जिसको बोलते हैं वर्चुअल डोम, ठीक है। यानी कि जितना ऑन स्क्रीन आपका पार्ट दिख रहा है उतने पार्ट का ही लोड कंसिडर किया जाएगा, आपका नीचे कितना पार्ट रनिंग है या ऊपर कितना जा चुका है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो वर्चुअल डोम होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट। अब जैसे स्टैटिक हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, PHP में अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका डोम वर्चुअल नहीं है, वो फिक्स डोम है, यानी कि उतना लोड आपका कंज्यूम हो गया होगा, यानी कि जब आप अपने नेटवर्क यूसेज में जाके चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका कितना हार्डवेयर वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो जैसे हमारा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है तो जिस जगह से आपने रिक्वेस्ट किया है साइट को, xyz.com कोई वेबसाइट हो सकती है, तो उस केस में फिर आपका उसका भी सर्वर आप उसी तरह से यूज़ कर रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आता है रिएक्ट डोम क्लाइंट का कि जितना पार्ट आपका यूज़ में रहेगा सिर्फ उतने ही पार्ट का आपका लोड आप यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका रहता है इसके अंदर जैसे index.css फाइल, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे इंडेक्स फाइल में जो भी मैं रेंडर कर रहा हूँ उसके कुछ मुझे हैंडलिंग करनी है, लाइक जैसे मान लो कि मैंने ऐप के अंदर कोई H1 लिखा लेकिन H1 आगे कॉल कहाँ पर हुआ, इस फाइल के अंदर। तो जैसे मैं आपको बताया था कि ये क्या होता है, अगर index.css हम लोग काम करते हो ग्लोबल होता है, तो ग्लोबल ये कैसे हो रहा है, ये वाला तो है नहीं कि हमने हर पेज में जाके index.css को इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट कहाँ हो रहा है, ओनली इंडेक्स के अंदर। तो हो क्या रहा है कि जितने भी कंपोनेंट बन रहे हैं अल्टीमेटली आके वो रेंडर कहाँ हो रहे हैं, इसके अंदर, ठीक है। तो जब वो डेटा यहाँ पर कॉल होगा, अब जैसे ऐप के अंदर सारे कंपोनेंट हमारे हैं, एग्जांपल के लिए ऐप आया इंडेक्स में, तो इंडेक्स के ऊपर CSS लगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा उसी टाइम पर, पहले से लगा के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ग्लोबल करना चाह रहे हो तो यहाँ से आपने काम करना है, इस वाली फाइल से, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि हर एक पेज का इंडिविजुअली चेंज हो तो वो फिर आप अपने पर्टिकुलर का पीछे से चेंज करके लाओ। तो जैसे हमारे होम का हेडिंग यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ज़रा यहाँ पर एक फाइल बनाओ home डॉट
यहाँ जाके हम लोग एच वन डिफाइन कर लेते हैं और इसमें जाके हम लोग डिफाइन कर देते हैं कलर, कलर का हमने नेम सेट कर दिया लाइक रेड। तो क्या वो होम पर अप्लाई होगा? जब तक नहीं होगा तब तक इम्पोर्ट नहीं कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इम्पोर्ट, ठीक है, क्या नाम है हमारा, होम, ठीक है, इम्पोर्ट। इसका हमारा कोड जाएगा यहाँ से, आपने सीधे पाथ दे देना है काम का, तो ध्यान रखना होम आपने कैप्स में डिफाइन किया हो, ठीक है, होम डॉट सी एस एस। सर्वर अगर हमारा चल रहा है तो आपने इसको जाके यहाँ पर चेक करना है, हमने लिखा है होम डॉट सी एस एस, होम डॉट जी एस में कॉल एच वन, तो यहाँ जाके लिखो जैसे कि मैं क्लास बना दूँ, किसमें किया था, एप डॉट सीएस में, तो एप डॉट सीएसएस में करो, यहाँ देख सकते हैं आप जो भी आपने नेम रखना है वो कैपिटल से स्टार्ट करना है। मैं फिलहाल जाके डायरेक्ट एच वन को टारगेट कर रहा हूँ, क्या सेट किया हमने कलर रेड, कंट्रोल एस, और हमारी रिएक्ट ऐप में अपडेट होना चाहिए, आ गया कलर। जब आप इसको चेक करोगे तो कलर अपना डिफरेंट आ जाएगा इसके अंदर। अब मान लो मैं इसके अंदर कॉल करा लेता हूँ ऐप वाली फाइल में, होम वाली फाइल को, तो यहाँ जाइए लिखिए इम्पोर्ट होम फ्रॉम डॉट पेजेस, पेजेस के अंदर में क्या बनाया है होम, और रिएक्ट इंटर बाद में हमने होम को कॉल कर देना है। जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें कॉल करते हैं तो इस तरह से किसी कंटेनर में पास करना होता है चीज़ों को, और यहाँ से जब हम इसको चेक करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, होम पेज कंटेंट हमारा चेंज हुआ। तो देखो क्लास हमारी काम कर रही है इसकी, तो मैं ज़रा यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर कर देता हूँ लाइक एफ सी जीरो, काम किया कलर। अब मान लो कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ एच वन, ठीक है, उस केस में भी काम कर रहा है। अब आपने देखा जब मैंने H1 वहाँ लिखा तो H1 कहाँ आया आपका JS में, और ये फाइल कहाँ कॉल होगी जाके, तो ऑटोमेटिकली मेरे दोनों हेडिंग क्या हो गए, चेंज हो गए ना। तो ये आपका इस तरह से काम करता है बेसिकली। और अब मान लो कि मैं जाके इंडेक्स डॉट सी एस एस में यहाँ पर अपना कलर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, मैंने लिखा एच वन अगेन कलर लाइक हम कर देते हैं ऐसे ब्लू, कंट्रोल एस, और यहाँ इसको जरा मार्क कर लो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जब पीछे से हम लोग क्लास लिख के लेके चला के लेके आ रहे हैं, तो जब इंडेक्स पर लाके आप चेक करोगे तो उसको आप रिप्लेस करा सकते हो इंडेक्स वाली फाइल से, ओवरराइड हो जाएंगे आपकी चीज़ें, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारा एच वन होगा सारे हमारे इफेक्टिव हो गए। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे बूटस्ट्रैप हम लोग चला रहे होते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप में हमारी एक्सटर्नल सीएसएस चल रही होती है जो कि सीडीएन से आ रही होती है, और जब आप उसको कलर चेंज करने का रिक्वेस्ट करते हो काम नहीं करते जब तक आप इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करते हो। तो अगर आप इंडेक्स ओवरराइड करोगे तो ये ध्यान रखना उस पर इंपॉर्टेंट आपने मार्क करा देना है, तब आपका जो ये स्टाइल था या फिर जो ऐप के अंदर का आपका स्टाइल था वो आपका चेंज होगा। अब
ग्लोबल, जैसे मान लो आपने सीधे सेलेक्टर को लेके क्लास लिखा, तो उसने क्या करा, मेरा दोनों जगह पर अफेक्ट डाल दिया, यानी कि ऐप वाले हेडिंग को भी चेंज किया उसने, जो कि मैंने लिखा था रिएक्ट इंट्रो, ठीक है, जो कि हमारा पेज था यहाँ पर ये वाला रिएक्ट इंट्रो का पेज, तो उसका भी कलर चेंज हुआ, प्लस हमारा होम का कलर भी चेंज, हमने होम वाले में अपडेट किया अपना ये वाला कलर ऑरेंज, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास एक एप डॉट सी एस एस की फाइल और है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर दोगे तो जब ऐप में डेटा कॉम्पोनेंट्स आएगा तो वो पर्टिकुलर पेज को ओवरराइड करेगा, इसको अगर ओवरराइड करना चाह रहे हो तो इसको ओवरराइड आपका फिर इंडेक्स नोड जेएस का, तो होता सबका स्टेप बाय स्टेप है, लास्ट एंड पॉइंट क्या है जहाँ पर डेटा जाके आपका उसमें जाएगा रूट वाले डिव के अंदर, तो लास्ट हमारा एंड पॉइंट है इंडेक्स। तो इस तरह से आपकी सी एस एस चलेंगी इसमें। इंडेक्स फाइल के अंदर हम इस वाले कोड को डिफॉल्ट को यहाँ से फिलहाल के लिए कर रहे हैं बंद, ठीक है, और यहाँ जाकर हम लोग लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, फिर आप लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट डोम, ठीक है, तो जब आप ये कमांड लिखोगे ना तो कर्ली ब्रेस कर देगा, इसको आपने हटा देना है, आप लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट यहाँ से डोम स्लैश आपने लिखना है क्लाइंट, इसके बाद आप यहाँ से एक फंक्शन अपना बना लोगे, फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हैं, और इसको अपने कर्ली ब्रेसेस लगा के क्या करना है अपेंड, यहाँ से रिटर्न कर दोगे डेटा जो भी आपने डेटा भेजना है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया एच वन और ये कर्ली ब्रेसेस, इसको अपेंड करके ऐसे लिखना इंडेक्स कंपोनेंट, और इसको यहाँ से फिर क्या करेंगे एक्सपोर्ट, तो यहाँ जाओगे कॉन्स्टेंट लिख दोगे कंटेनर इक्वल टू लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी चेक कर लेना डेमो चल रहा था या रूट चल रहा था एक बार देख लेना इसको, डेमो चल रहा है, तो यहाँ से इंडेक्स फाइल में यहाँ पर आप सिंगल कोट डबल कोट जिसमें भी आप लिखना चाहें डिफाइन कर दीजिएगा, फिर हम लोग रूट डिफाइन कर लेंगे, इसमें रूट इक्वल टू लिखेंगे रिएक्ट डोम और यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे डॉट क्रिएट रूट और इसमें क्या कॉल कर देंगे कंटेनर और यहाँ से आप लिखेंगे रूट डॉट रेंडर, रेंडर में हमारे ऐप का नेम क्या आ जाएगा हेलो, कंट्रोल एस करेंगे इसको, यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट है, हेलो हमने छोटा लिख दिया इसको बड़ा लिखना है, कहाँ गलत है हाँ इसको रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट कर दो और ये कोट में आएगा ऐसे, ठीक है, तो इस वाले पेज में हमारा देखो कहीं पर कोई ऐप हमने लोगो वगैरह कुछ नहीं कॉल कराया, सिंपल अपना इतना डेटा भेज है, तो क्या लिखा रहा है इंडेक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है, तो इतना सा बेसिकली काम करना होता है जो बाय डिफॉल्ट आपका कोड लिखा था इतना कुछ इसमें उसको निकाल के सिर्फ आप इतना लिख दोगे आपका ऐप का पहला पॉइंट बन जाता है। अब जो हमारी ऐप फाइल है यहाँ से अगर आप कोई डेटा इधर लेके आना चाह रहे हो तो अपनी ऐप फाइल के ऊपर आओ, आप ऐप को यूज़ करना चाहते हो रखो, नहीं तो इसको भी हम लोग पूरा हटा सकते हैं, जो ऐप का डिफॉल्ट बनाकर ऑलरेडी रख दिया है, कभी कुछ चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, इधर जाओगे यहाँ पर आपने जाके अपना डिफाइन कर देना है, जैसे कि फंक्शन क्या नहीं रखा हमने ऐप और यहाँ से रिटर्न करेंगे डेटा क्लोज करेंगे अपेंड करोगे, और एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर एच वन लिख के लिख देंगे आप ऐप कंपोनेंट और सीधे यहाँ से एक्सपोर्ट करा दोगे डिफॉल्ट ऐप को और ये आपका एक्सपोर्ट हो गया और यहाँ से लाके आपने इसको इंडेक्स फाइल में लिख देना है इंपोर्ट ऐप फ्रॉम स्पेस डॉट स्लैश
में दो स्टेटमेंट जा रही है हमारी, क्योंकि अगर आपको दो स्टेटमेंट को भेजना है तो आप यहाँ से फोल्डर का यूज़ करेंगे, पहला हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा, देन हमने ऐप को प्रिंट करना है। कंट्रोल एस, क्या लिखा रहा है, सक्सेसफुल। देखो हमारा इस तरह से बन के तैयार हो रहा है। तो जो डिफॉल्ट कोड मिल रहा है आप उसको समझ के चलना चाह रहे हो तो रखो, नहीं तो उसको पूरे को उठा के आप अपना खुद का भी कस्टम कोड लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे मैंने ना इसमें एक थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी है, ठीक है, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक क्या है, कंटेनर, कंटेनर ये बता रहा है कि हमारा डेटा किस कंटेनर में रेंडर होगा। रूट, जिसमें हम लोगों ने रिएक्ट डॉम को कॉल किया है, जो कि क्रिएट रूट डॉट कंटेनर, यानी कि हमने इसमें क्लास को कॉल करा है अपनी। अब ज़रूरी नहीं कि मैं ये दो लाइनों का लिखूँ, आप इसको चाहो तो जैसे हमारा ऊपर कहीं लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा देख लो जरा एक बार, जैसे ये लिखा हुआ है, देख रहे हो, तो सीधे आप रूट वेरिएबल में रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट के अंदर सीधे जाके अपना ये वाला पार्ट जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी है कॉल कर सकते हो। तो अल्टीमेटली कंटेनर कर क्या रहा है, इसी को तो कंटेन कर रहा है अपने अंदर, तो वो सीधे आप यहाँ भी लिख सकते हो, तो आपको अलग से लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे इसके अंदर आप एक के अंदर एक पेजेस कॉल करा सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया इंडेक्स, इंडेक्स को अंदर हमने कॉल कराया ऐप, अब ऐप के अंदर जो भी कंपोनेंट आपने भेजने हैं वो आप वहाँ से पीछे से कॉल करा सकते हो। जैसे मैं एक कोई कंपोनेंट इसमें कॉल करके दिखा देता हूँ आपको। तो अभी हमें बस ये समझना है कि पेजेस एक दूसरे से कैसे बाइंड होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से भेज देता हूँ सर्विसेज को, तो लिखो सर्विसेज एस ई आर वी आई सी ई एस, ये नेम ध्यान रखना जो एक्सपोर्ट में होगा वही नेम आपने यहाँ यूज़ करना होता है। हमने लिखा है इम्पोर्ट सर्विसेज फ्रॉम सिंगल कोड डॉट स्लैश, ये हम लोग ऑलरेडी किस में ऐप में है ना, तो पेजेस में जाना पड़ेगा पहले, पेजेस स्लैश सर्विसेज, और अगेन यहाँ भी हमारे डबल स्टेटमेंट आ गए, तो आपने यहाँ पर इस तरह से अपेंड, ये आ जाएगा आपका ऐप कंपोनेंट और उसके नीचे हमारा क्या आ जाएगा सर्विसेज। हमने कहाँ लिखा है, ये ऐप के अंदर, ठीक है। अब आउटपुट में आपको तीन चीज़ लिखनी चाहिए, तो मेन क्या है, इंडेक्स जिसने कंटेन किया है ऐप को, ऐप ने कंटेन किसको किया है सर्विस को, तो इस तरह से आपकी डिपेंडेंसी सारी काम करेंगे, ठीक है। तो ऐप चॉइस है, आप ऐप को रखना चाहोगे तो रख लो, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्विस को ला के इंडेक्स पर भी रेंडर करा सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि ऐप को बीच में रखो, ठीक है। इंडेक्स फाइल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, जो भी डेटा देना है वो आपने ऐप को देना है, ऐप इंडेक्स को देगा और पेजेस आपके इसमें जाएंगे आपके अंदर। अब ये ऐप जो डिफॉल्ट हम लोग नेम चला है, मान लो जैसे ब्लिंकिट बना रहे हो, ऐप का नेम ब्लिंकिट कर लो, ये ऐप का नेम है बेसिकली, हमारी ऐप जैसे हम लोगों ने रखा है ना, तो ब्लिंकिट नेम रख दिया आपने, तो ब्लिंकिट यहाँ पर आपका ऐप बन के तैयार हो जाएगा। तो एक प्रोजेक्ट में हम लोग मल्टीपल ऐप चला सकते हैं इस तरह से। तो अब मुझे बताओ पेजेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पेज बनाना है सिंपल आपका जो तरीका है, ठीक है। और अगर एरो फंक्शन से अगर आप इसको बना रहे हैं तो आप एरो फंक्शन के हेल्प से चला सकते हो। एरो फंक्शन भी मैंने आपको किसी ना किसी उसमें करके दिखाया हुआ यूज़ शायद, ये देखो हमने जैसे यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको इसके सारे फंक्शंस भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, कौन कौन से हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं काम करने के, और इसमें हम लोग पैरामीटर वगैरह कैसे पास करेंगे, कैसे यूज़ करना है। पैरामीटर जैसे मान लो कि मैंने अपना फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने लिख दिया जैसे कि वैल्यू वन वैल्यू टू फॉर एग्जाम्पल, और वैल्यू वन वैल्यू टू से फ़ायदा क्या होगा कि मान लो कि जैसे एक लेआउट मेरा फंक्शन है, अब लेआउट को मुझे रीयूज़ करना है, तो पैरामीटर क्या हेल्प करेगा कि जिस भी जगह पर आपने उसको लेआउट को यूज़ करना है उसके अंदर पैरामीटर से डेटा पास कर दोगे, तो आपको उतने कंपोनेंट नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही कंपोनेंट मल्टीपल काम कर देगा। जैसे एक हमने कंपोनेंट बना लिया कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल, तो जो भी आपने कैलकुलेट करना है डेटा, एडिशन कराना है सब्ट्रैक्शन कराना है, तो वैल्यू वन वैल्यू टू उसमें पास कर दोगे और अपना फंक्शन जो है रेंडर का उसको आप यूज़ कर लोगे डायरेक्ट। तो अभी जैसे मैंने वर्बली बताया इसको प्रैक्टिकल कैसे करोगे तो वो नेक्स्ट क्लास में आपका कवर हो जाएगा। तो अभी के लिए आपका जो टास्क है वो क्या है, इंस्टॉलेशन, जो कि ऑलमोस्ट सभी ने कर ली है, जिसका नहीं है वो कर लो। एरर आता है तो npm initialize, आपको npm का बेसिकली लेटेस्ट वर्जन डालना है। दूसरा रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर लो, दोनों ट्राई कर लेना cdn की हेल्प से भी, दोनों ही तरीके आपके वैलिड हैं, बट इंस्टॉलेशन वाला जो तरीका है वो आपका क्या रहेगा, लाइट वेट है, ठीक है। फिर उसके कंपोनेंट ट्राई करके देख लो कि हम लोग कंपोनेंट बना पा रहे हैं। डिफ़ॉल्ट जो जैसे आप लोगों ने अपनी ऐप बनाई है तो यहाँ पर इधर
अपना डिफॉल्ट सोर्स फाइल को जिप बना के अलग से रख लेगा, ताकि कभी मान लो आपकी आप खराब हो गई आपसे, तो वो वाला कोड आपका जैसे मतलब बैकअप लेके चलते हैं ना माई स्किल में, सिर्फ वैसे वाला आपका काम रहेगा, कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो। और अब से शायद 1 से 2 हफ्ते के बाद में हम लोग आएंगे फिर इसमें अंदर API के ऊपर। तो जैसे बहुत सारी APIs आपको बनी बनाई मिल जाती हैं, जैसे मान लो आपने कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है उसके अंदर, तो आपको फेक APIs वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ जैसे जाओगे फेक API फॉर रिएक्ट, तो जैसे यहाँ पर JSON प्लेस होल्डर काफ़ी फेमस है, तो इसके अंदर से जो भी आपने लेना है, तो डेटा कैसे फैच होता है, ठीक है, किस तरह से आपको कौन कौन सी टेबल्स मिल रही है उसके अंदर, कितना उसके अंदर डेटा है, डेटा को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे मुझे नंबर 5 का डेटा देखना है, तो मैंने लिखा ID इक्वल टू 5, पैरामीटर पास किया तो नंबर 5 का डेटा आ गया मेरे पास। तो ऐसे आप जब पेज वगैरह आपने नेविगेशन पेजिनेशन करते हो, या फिर जैसे आपने कोई डेटा रिक्वेस्ट किया कि मुझे किसी का व्यू ओपन करना है, PHP में सब ये किया हुआ ऑलरेडी, तो सेम आप यहाँ रिएक्ट में भी कर सकते हो। तो रिएक्ट वाले बंदों का जो काम होता है वो बैकेंड का नहीं होता है, रिएक्ट वाले बंदों का सारा काम होता है API के बेसिस पर, उनको दिए जाते हैं, बैकेंड वाले बंदे API बना के देते हैं, और उन API को रीड करके कैसे अपने डिज़ाइन में हमने लेके आना है, ये हमारा काम होता है बीइंग अ रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपर। रिएक्ट बैक एंड डेवलपर का काम क्या होता है कि जो पूरा नोड पे भी काम करेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट चला रहे हो तो आपको नोड से कोई लेना देना नहीं, नोड जस्ट आपकी फाइल को प्ले करने का काम कर रहा है, लेकिन आपके कोर्स में नोड भी डला हुआ है, तो नोड ज़्यादा बड़ा नहीं है, हार्डली 2 से 3 क्लास मैक्सिमम बड़े आराम से नोड खत्म हो जाता है, इतना छोटा सा होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर पूरा SQL दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना उसमें क्वेरी चलाते हैं PHP के अंदर, हमने क्वेरी से भी सीखा था और फ्रंट एंड से भी हम लोगों ने डेटाबेस बनाना सीखा था, जितनी क्वेरी PHP में आपने चलेंगे वही सेम क्वेरी आपके नोड में चलती है, बस यहाँ पर JS से चलेंगे, PHP का कोई सिंटैक्स नहीं आएगा। तो मैं आपको API बनाना भी सिखा दूंगा कि API बनती कैसे है, जैसे मान लो कल को आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी मुझे API अपनी खुद की चाहिए, मान लो आपने PHP में कोई बनाई ई कॉमर्स वेबसाइट, वही ई कॉमर्स वेबसाइट का डेटा आपको रिएक्ट में भी लिखाना है, तो API बनाना आना चाहिए। तो API अगर आपको बनाना, वैसे तो ना उसमें बनती है REST API होती है हमारी, जितनी भी APIs होती है ना REST API। ठीक है, और ये इसकी वेबसाइट होती है API बनाने की, अगर आप इसमें API बनाते हो तो बहुत फास्ट बनती है, लेकिन ये फिर कोर डेवलपमेंट के अंदर जाता है आपका पार्ट। और इसमें अगर आपको वेबसाइट को APIs बनाना आता है तो फ्रेशर को भी मतलब मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फ्रेशर का बता रहा हूँ मैं, इतना मिल जाता है बड़े आराम से, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो कुछ लोगों की सिर्फ जॉब ही होती है कंपनी में कि डेटाबेस में 100 मेरी टेबल्स हैं, जैसे मान लो कि एक न्यूज़ की वेबसाइट है तो उसमें कैटेगरीज हो गई जैसे कि एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, इस तरह की हेल्थ वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, या फिर जैसे कंट्री वाइज डेटा मुझे लेकर आना है API के अंदर रिक्वेस्ट करके, तो वो एक बार मैकेनिज्म अगर समझ में आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ फिर हमारा जॉब इतना ही होता है कि बस बैकएंड से डेटा को लेना है और फ्रंट एंड वालों को देना है, लेकिन आपने पहले API को कोड करना है, रिक्वेस्ट वगैरह सब चला के देख लो, सब सही रिस्पॉन्स करें तो फ्रंट एंड वाले को दे दो, और 20-20 के हिसाब से लोग डेटा उसके अंदर डाल के दे देते हैं कि जितनी बार भी रिक्वेस्ट करेगा 20 ही डेटा वो एक बार में फैच कर सकता है। ज़्यादा अगर आपने रिक्वेस्ट दे दिया उसको तो आपका खुद का बैकएंड बैठ जाएगा, उसको तो क्या क्लिक करना है, और मान लो आगे 1 लाख यूज़र एक साथ, 1 लाख यूज़र ने जैसे रिक्वेस्ट किया 40-40 भी अगर सबका ऑन एवरेज पकड़ लो तो आपका सर्वर पे प्रेशर आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नोटिस करना, ई कॉमर्स वेबसाइट ना 40 से ऊपर प्रोडक्ट एक बार में दिखाती नहीं है आपको, तो वो क्या है ताकि सभी का साथ लोड बैलेंसिंग शेयरिंग हमारी इजीली चलती रहे और सबका एक्सपीरियंस बढ़िया रहे। तो पहले चलती थी वेबसाइट, या अभी भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो ऑन स्क्रॉल पर डेटा देती जाती हैं आपको, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है बाद में आपका पेज इतना हैवी हो जाता है कि आपका खुद का कंप्यूटर इतने बड़े डिज़ाइन को रेंडर नहीं कर पा रहा होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में क्रोम ब्राउज़र हमारा 3-4 GB रैम खा जाता है, तो ये होता है फिर प्रॉब्लम। तो इसलिए ना हमेशा लिमिट में डेटा दो एंड यूज़र को, इसके अंदर भी लिमिट वगैरह सारी चीज़ें सीख जाओगे कैसे काम करेंगे। तो पहले फ्रंट एंड वाला पार्ट निपटाएंगे फटाफट, कैसे इसमें कवर होगा। तो 2 क्लासेस में हमने क्या सीखा, कैसे इंस्टॉलेशन होगा, इंटीग्रेशन कैसे होंगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, अगर इतना समझ में आ गया ठीक है तो इजीली अपना काम कर लो। प्लस आपको राउट भी मैंने सिखा दिया इसके अंदर, राउट आपने ट्राई करके, अच्छा राउट में हमारा वो रह गया है टाइटलिंग वाला साथ में जो चेंज होगा, तो वो नेक्स्ट क्लास में दिला लो, पहले करा लो, ठीक है, तो इतना ट्राई करके देख लो। देखो अब इन्होंने डराने के लिए इतना कोड लिख रखा है, तो समझ भी तो आना चाहिए किससे क्या हो रहा है। तो यहाँ सब इम्पोर्ट रिटर्न सब कुछ JS में ही चलेगा,
ठीक है, डॉक्टर वॉक्टर कुछ नहीं है यहाँ पर। प्रियंका बेचारी बड़ी परेशान है, तुम्हारे पास तो प्लस पॉइंट है ऋतिक है। क्लास में ट्राई करिए इस पार्ट को। पता है क्या, जब 15 दिन चला लोगी ना उसका तो वो सब मिथ्या है। ये सही है, ये ज्यादा अच्छा लगता है। पता है इसमें लिखना कम है, काम बड़ा होता है।